जिला संभल में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद की मनमानी का नतीजा सामने आया है। संभल में बीजेपी के कार्यकर्ता सत्यपाल सिंह यादव के गांव में पुरानी रंजिश होने के बाजे से रास्ते में घेर लिया और फायरिंग करने लगे। अचानक पैर पर गोली लगने से हुआ हादसा, घायल उसकी रिपोर्ट थाना बहजोई में लिखाई और 3/7 का मुकदमा दर्ज भी किया गया, लेकिन आज तक किसी भी मुलाजिम की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसकी शिकायत सत्यपाल सिंह की पत्नी कमलेश यादव ने पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद से की। तो पुलिस अधीक्षक ने उनसे गलत शब्दों का व्यवहार किया। उसी समय बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्री राजेश सिंगला वहां पे मौजूद थे और एसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 1 घंटा तक धरना प्रदर्शन करते रहे, जब तक एसपी अपने कार्यालय से निकल कर ना आए और अपनी गलती को न मान लिया। भाई साहब देखो, कप्तान साहब ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, मुझसे बदतमीजी करी, मेरे हस्बैंड से बदतमीजी करी और 307 के मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं। उनको हड़काने की, उनको गिरफ्तार करने की बजाय मुझे हड़का रहे हैं, मेरे हस्बैंड को हड़का रहे हैं और जो है सुबह हमें घेर लिया सपा वालों ने। मेरे हस्बैंड के बाइक के पीछे बाइक लगा दी, कल चढ़े आए वो हमारे घर पे, आज सुबह फिर चढ़े आए। बताइए हम ऐसे कैसे, हम बीजेपी में होने के बाद भी सब कुछ करने वाले क्या हो बीजेपी पार्टी में, क्या है आप, क्या पद है आपके? मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ महिला मंडल मोर्चा की। सरकार में आपको हाँ, ये यही वजह का पुलिस प्रशासन की कमियाँ है।